पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में डॉक्टर ही हैवान बन गया और पैसे की चाहत में डॉक्टर मृत बच्चे का ही इलाज करता रहा और परिजनों से रकम वसूलता रहा। परिजनों ने बच्चे को देखने की इच्छा जताई तो उसके बाद डॉक्टरों के इस खेल से पर्दा उठ गया। बच्चे के मुंह से खून आता देख परिजन आग बबूला हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए और अस्पताल छोड़कर भागने लगे। बाहर कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से बदसलूकी कर भागने की कोशिश डॉक्टर के द्वारा की गई, लेकिन भीड़ ने डॉक्टर को रोक लिया और डॉक्टर वापस अस्पताल में जा बैठा। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराया। परिजनों ने अपनी दास्तां पुलिस को रो रो कर सुनाई, लेकिन डॉक्टर के आगे परिजनों की एक न चली। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन जब यही भगवान पैसे की चाहत में हैवान बन जाए तो फिर डॉक्टरों से भी मरीजों का भरोसा उठ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ मुरादाबाद जनपद के थाना मझूला क्षेत्र अंतर्गत गिली हॉस्पिटल में, जहां पर एक परिवार के लोग अपने बच्चे को देखने के लिए तरसते रहे, लेकिन डॉक्टर बच्चे की जान को खतरा बताकर परिजनों से पैसे जमा कराते रहे। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद भी परिजनों से पैसे जमा कराते गए। जब परिजनों को इसकी भनक लगी तो परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख अस्पताल का डॉक्टर भागने लगा। भागते हुए जब डॉक्टर ने बाहर खुद को मीडिया के कैमरे में कैद होता देखा तो वो भी मीडिया से बदसलूकी करने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया। भीड़ ने भागते डॉक्टर को पकड़ लिया, जिसके बाद वापस अस्पताल में जाकर वो बैठ गया। हंगामे की सूचना जब पुलिस को मिली थी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों को शांत कराया। रोते बिलखते परिजन बार बार बस यही कहते रहे, मरे हुए बच्चे का आखिर इलाज क्यों कर रहे थे, आखिरकार क्यों पैसे के बिना बच्चे को उसकी माँ से नहीं मिलने दिया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 10,000 रूपए जमा कर चुका था और 50,000 रूपए मांगे जा रहे थे, लेकिन जब भी बच्चे को देखने के लिए कहते तो वो टाल रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में जब बच्चे को देखा तो उसके मुंह से खून आ रहा था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अस्पताल स्टाफ अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं। मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस मामले की जानकारी भी दी गई, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बच्चे को अभी अरे भीड़ कम हो करो इन्हें बात करो बाहर 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 मगर अभी इधर को आकर के 5 बजे से बच्चा एकदम निकल चुका है। अभी डॉक्टर ये कह रहे हैं पुलिस वाले आ गए, नहीं आपको बुलाया गया था तो मैं बच्चों को रेफर कर दूंगा, मरे बच्चों को फिर रेफर करने को कह रहे हैं। मैं 5 बजे से पहले से ये कह रहा हूँ कि इसको मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं इसकी माँ के पास ले जाता हूँ, मगर अभी तक छुट्टी नहीं दी थी। अब बच्चे बिल्कुल खत्म है। अच्छा, आपको किसने बताया कि बच्चे की अभी बड़े आके मैंने खुद देखा है? अच्छा, खुद देखा है आपने? मीडिया को आपने फोन किया था? जी, मीडिया को मैंने किया। क्या क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त डॉक्टर से ये मालूम किया था कि क्या कंडीशन क्या है, तो वो चिट्ठा ये कह रहा था बोले आपका बच्चा लास्ट स्टेज में, इसको ले जाइएगा। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये कहा कि मुझे ये बात दो दिन पहले भी बताया था, तो मेरे भाई से छुट्टी ने पत्ता लिखी बोले चल यहाँ से निकल बाहर निकल। बहुत ज़्यादा बदतमीजी, बहुत पत्रकार थे उनसे भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी थी। डॉक्टर साहब ने कितने पैसे ले लिए? डॉक्टर साहब ने 10,000 मेरे जमा कर दिए और उससे दवाइयों का अभी तक मेरे पास कोई भी दे दिया है कोई नहीं दे दिया है। वो टूट टूट के कभी 1500 की दवाई, कभी 1600 की दवाई, कभी 1200 की दवाई, इस तरह की दवाई आ रही है। बच्चे के मुंह से क्या मानते हैं आप? लापरवाही, लापरवाही किसकी है? अच्छा, पुलिस भी मौके पर पहुंची है, क्या कह रही है? कोई पुलिस तो उनकी बात कह रही है कि रेफर करा लीजिए। मैं रेफर करा कर करूँगी, बच्चे को खत्म है बिल्कुल, क्या होगा रेफर करा कर? कौन डॉक्टर है? डॉक्टर का पहली बात तो ये डॉक्टर ही समझ में नहीं आता, कभी आओ तो कोई और मिलता है, कभी आओ कोई और। क्या नाम है? एक तो डॉक्टर वेस्ट है और अगर हम मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कोई मिल ही नहीं पाता टाइम पर। अब क्या चाहते हैं आप? अब तो बच्चों को घर ही लेकर जाना है। आपका बच्चा कि कौन से डॉक्टर के ट्रीटमेंट में था? डॉक्टर नसरुद्दीन थे, उनके ट्रीटमेंट में चल रहा था और डॉक्टर वैसे उनसे ही बात हुई थी आपकी? हाँ, उनसे बात हुई थी। क्या कहा उन्होंने? अब तो वो हर बिल्कुल पढ़ने जा रहा है, नहीं तो कह रहे थे मैं नहीं जानता हूँ कौन नसरुद्दीन है और कौन वो है, आप मुझसे बात कर रहे थे, इनके सीनियर ही कह रहे थे आप मुझसे बात कर रहे थे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।